विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और हरियाणा में 21 अक्टूबर को चुनाव होंगे, 24 अक्टूबर को यहां नतीजे भी सुनाए जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंशिका और मेरे साथ आज मौजूद हैं राज्यसभा सांसद और इंद्री विधानसभा से प्रत्याशी राम कुमार कश्यप जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है राम कुमार जी। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जिस तरह से पिछली बार भाजपा ने एक बहुत बड़े वोटों से यहाँ पर जीत हासिल की थी, इस बार आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? मैं अपनी जीत को लेकर ही नहीं केवल, बल्कि मैं तो सारे हरियाणा में से जो है हमारी पार्टी का जो नारा है अब की बार 75 पार, अब की बार निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ, जैसे हम चुनावी सभा में गांव में जाते हैं, लोगों के चेहरे, हौसले, उत्साह को देखकर कर जोश को देखकर मैं कह सकता हूँ जो 75 पार का हमारा जो वो है वो उसको हम जरूर पार करेंगे। जहाँ तक इंद्री हल्के का मेरी बात है तो यहाँ पर देखेगा जो हमारे मंत्री रहे हैं, यहाँ के MLA रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर बहुत विकास के काम कराए हैं। 1300 करोड़ रुपए के से यहाँ पर बहुत काम, 1300 करोड़ रुपए के जो खर्च राशि यहाँ पर खर्च हुई है विकास के लिए। और अब देखेगा जहाँ केंद्र की बात है, अब जो पार्लियामेंट के चुनाव हैं उसके बाद केंद्र में बहुत काम हुए हैं, जहाँ पर केंद्र ने एक वो 5 अगस्त को जो है एक जम्मू कश्मीर के ऊपर बिल ला करके धारा 370 और 35 को हटाने का काम किया है। उसके बाद 3 तलाक का जो बिल है उसको पास करा करके महिलाओं को, जो मुस्लिम महिलाओं को बहुत न्याय देने का काम किया है। इसके बाद मैं मानता हूँ पार्लियामेंट के बाद तो बहुत काम हुए हैं, तो निश्चित तौर से मोदी जी को कामों को देखते हुए जनता जो है, जो जनाधार उस समय सबसे ज़्यादा जनाधार मिलने का मुझे पूरी उम्मीद है। तो इस बार आप कितने वोटों से जीतने की उम्मीद रख रहे हैं? देखिएगा, हमारे संजय भाटिया जी जो पार्लियामेंट के चुनाव हुए हैं उसको यहाँ से 98,000 वोटें इस इंद्री हल्के वालों ने यहाँ से दी थी। मैं मानता हूँ अब जैसे मैं अभी कह रहा था, अभी केंद्र की सरकार में बहुत काम हुए हैं, प्रदेश की सरकार में बहुत काम है, तो मानता हूँ अब मुझे है ये 98,000 से ज़्यादा वोटें दिला करके मुझे ये असेंबली भेजने का काम करें। जी, जिस तरह से पिछली बार भाजपा ने 47 सीटों पर अपना परचम लहराया था और इस बार भाजपा का नारा है 75 पार का, तो किस तरह से पार्टी उस टारगेट को पूरा कर पाएगी? नहीं, निश्चित तौर से देखेगा, ये जो पार्टी ने काम किए हैं, जो BJP पार्टी केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, इन्होंने जो इतने काम किए हैं उसको देख करके मैं कह सकता हूँ ये जो नारा 75 का बहुत आसानी से इसको पार कर सकते हैं। अब हमारे जो हमारे खट्टर साहब हैं, माननीय मनोहर जी हैं हमारे, उनके नेतृत्व में हरियाणा में काम बहुत कम हुए हैं। जहाँ तक नौकरियों की बात है, नौकरियों को पूरा पारदर्शिता के साथ, लोग बच्चों की योग्यता के साथ, उनके टैलेंट के साथ नौकरियाँ दी जा रही हैं। और ये जब नौकरियाँ इस प्रकार से देना जनता में, बच्चों में यौन बड़ा भारी इससे खुशी है, उनमें जोश है, तो वो निश्चित तौर से दोबारा पुनः उनको 47 जो सीटें आई थी उससे ज़्यादा 75 पार करके सीटें दिलाने का काम करें। जी राम कुमार जी, जैसे कि BJP इस वक्त अपना बहुत अच्छा हाथ जमाए हरियाणा में बैठी है, गुजरात में भी BJP, गुजरात को भी BJP का गढ़ कहा जाता है और अब हरियाणा को भी एक तरीके से BJP का गढ़ ही माना जा रहा है, तो आप किन मुद्दों के साथ इस बार चुनाव में उतर रहे हैं? देखिएगा, मुद्दे तो बहुत हैं। देखो, सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास का है, जनता का जो है, प्रदेश का हर तरह से विकास करना है। इसमें शिक्षा भी हो सकता है, स्वास्थ्य इसमें हो सकता है, रोजगारी को दूर करने की बात हो सकती है, गरीबी को दूर करने की बात हो सकती है, बाकी अगर जैसे कोई सड़कें हैं, नालियां हैं, उनके निर्माण की बात हो सकती है। सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ जो हमारा शिक्षा का जो है, शिक्षा का कुछ दिनों से पीछे कई सालों शिक्षा का जो स्तर है वो थोड़ा डाउन हुआ है। मैं मानता हूँ 5 सालों में हमारी सरकार ने इतने काम किए हैं प्रदेश में, तो निश्चित तौर से शिक्षा के स्तर बढ़ा है, शिक्षा के स्तर में सुविधाएं मिली हैं, तो निश्चित तौर से फिर मैं कह सकता हूँ कि शिक्षा भी एक अच्छा वो होना चाहिए। इसके बाद स्वास्थ्य भी हमारा एक मुद्दा रहेगा, बाकी पर्यावरण, आज देखिएगा पर्यावरण भी हमारा दूषित होकर जा रहा है, जंगल हमने काट दिए, पेड़ हमने काट दिए, उसको बचाने के लिए बहुत आवश्यकता है। अगर नहीं करा गया तो हमारी जो इस देश प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य बड़ा असर पड़ने वाला है, इसलिए हमारा ये प्रायोरिटी भी रहेगी जब हम अपने इसको हवा को ठीक करें, पर्यावरण को शुद्ध करें, ये भी हमारी प्रायोरिटी रहेगी। आपने शिक्षा की बात की है, बेरोजगारी की बात की है, शिक्षा एक बहुत ही बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहता है, क्योंकि अगर शिक्षा है तो फिर बेरोजगारी भी हम दूर कर सकते हैं। तो आप किस तरीके से अब चुनाव के बाद शिक्षा का स्तर आप और किस तरीके से बढ़ा? देखिए, मैं अपने हलके की बात करता हूँ, मैं जनसभा में कहता भी हूँ, मैं खुद, मेरा शिक्षा एक बहुत बड़ा मेरा पेट सब्जेक्ट रहा है शिक्षा, मैं स्कूलों में जा करके देखेंगे कि कोई वहाँ पर क्या सुविधाएँ कमी है, टीचर की कमी है, तो जो कमियाँ होंगी उसको दूर करके
जो शिक्षा में आने वाली समस्या उनको दूर करने का काम करेंगे, ताकि बच्चों को जो है शिक्षा का स्तर बढ़ सके, अच्छे बच्चे नागरिक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके, और अच्छी शिक्षा ग्रहण करके वो जिस भी फील्ड में जब नौकरी लगे तो गुड, अगर बिजनेस करना चाहे वो करें, अच्छा काम करके देश के लिए अच्छे नागरिक बने और राष्ट्र के निर्माण में अच्छा काम कर सके, मेरा ऐसा सोच है। ये तो शिक्षा की बात हुई, महिलाओं के लिए आप क्या कुछ करना चाहेंगे? महिलाओं की सुरक्षा की सबसे बड़ी बात है, महिलाओं के लिए सुरक्षा बहुत जरूरी है, उसके लिए इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब महिलाओं का शिक्षा में आगे आए, मेरा प्रयास है सबसे पहले हम महिलाओं के लिए कॉलेज खोल लें, और कॉलेज जब खुलेगा मैं मानता हूँ इससे हमारी लड़कियाँ जो हैं शिक्षा में आगे बढ़ पाएंगी, और शिक्षा अच्छी हो सकेगी, शिक्षा अच्छी हुई तो वह हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का उनका स्कोप बढ़ेगा। ये जी राम कुमार जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, 21 अक्टूबर को यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, और बीजेपी की जो पहली लिस्ट जारी हुई थी 78 कैंडिडेट्स की, उसमें से 7 कैंडिडेट्स ने उसके खिलाफ बहिष्कार किया था, तो उस पे उन कैंडिडेट से निपटने के लिए, इस तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए आप किस तरह की रणनीति? नहीं, ऐसा वो थोड़ा शुरू में होता है, क्योंकि हर एक देखा हुआ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर एक जो है जो वर्कर है नेता चुनाव लड़ना चाहता है, लड़ना भी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, किसी को मिल जाता थोड़ी देर के लिए होता है भी उसको मिला भी मेरे को नहीं मिला, परंतु मैं मानता हूँ जिनको थोड़ा विरोध किया था उनको उस विरोध को कंट्रोल कर लिया गया, उनको समझा दिया गया है, वो सारे जो है पार्टी के साथ लग करके काम कर रहे हैं। और 3 महीने पहले जैसे कि आप इनेलो पार्टी छोड़कर बीजेपी में आप यहाँ आए हैं, आपने कुछ विचारधारा आपकी वहाँ भी होंगी, कुछ विचारों से आप यहाँ भी आए होंगे, लेकिन जिस वक्त आपने इनेलो पार्टी छोड़ी, एकमात्र राज्यसभा सांसद आप वहाँ पर रहे हैं, तो एक तरीके से इनेलो पार्टी के लिए बहुत बड़ी वो चुनौती वहाँ पर साबित हो गई, बहुत बड़ा वहाँ पर झटका भी साबित हुआ, आप बीजेपी में क्यों आए, क्या देखिएगा? मैं 5.5 साल से राज्यसभा में हूँ, तो मैं जो हमारे प्रधानमंत्री काम करने की शैली है, जो उनके तरीका है, और जो बीजेपी पार्टी की नीतियाँ उसको से प्रभावित होकर के मैंने ये पार्टी ज्वाइन की है। मैं पहले प्रदेश स्तर पे काम कर रहा था, तो मेरी सोच यह थी भी अब मैंने जो राष्ट्र स्तर पे काम करना है, राष्ट्र के हितों के लिए काम करना है, राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभानी, इसलिए मैंने ये राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी, और अब तो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी बन गया है। मेरा बस इसी सोच करके कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, इनकी सोच बढ़िया है, काम करने के तरीके बढ़िया हैं, और भी मैं भी इस पार्टी में मिल करके राष्ट्र की सेवा करना चाहता था, यही मेरे एक मन मुद्दा था, अदरवाइज और मेरा कोई इसमें स्वार्थ नहीं था। जी, एक विचारधारा आपकी इनेलो में भी थी, एक विचारधारा आपकी बीजेपी में भी है, जिस तरह से आपके विचारों को इनेलो में समर्थन मिला, क्या उन्हीं आपके विचारों को बीजेपी में भी उतना ही समर्थन मिला? बिल्कुल, उससे ज़्यादा। देखो, मुझे जो हमारे इनेलो वाले थे वो भी मुझे मतलब अपना समर्थन दे रहे हैं, और जो बीजेपी के वर्कर हैं वो तो दे रहे हैं, मुझे इसका डबल बेनिफिट मुझे मिल रहा है। कोई भी एक भी मुझे आज तक वो मुझे वर्कर इनेलो का या नेता नहीं मिला जिसने मेरे विरोध बोलो हो या मेरा समर्थन नहीं किया हो, सारी मेरी विचारधारा से सहमत हैं, क्योंकि मैंने तो राष्ट्र के हित के लिए काम करना है, जनता के हित के काम करना है। आप कुछ उम्मीदें लेकर यहाँ पर आए हैं बीजेपी में, तो क्या बीजेपी आपकी उन उम्मीदों पर खरी उतरी है? नहीं, उम्मीदें नहीं, मेरे तो देखिएगा मेरी अब उम्र 68 साल मेरी उम्र हो गई है, मैंने जीवन में जो प्राप्त करना सब कुछ प्राप्त, एक नागरिक को मिलना चाहिए मुझे बहुत मुझे, मैंने देखेगा मैंने शिक्षा मेरी अच्छी होगी, MA LLB मैंने कर लिया, MA Economics LLB मैंने किया, मैं नौकरी लगी 26 साल में हरियाणा गवर्नमेंट सर्विस में रहा स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट में, फिर मैं नौकरी लगाने वाला रहा, मैं हरियाणा लोक सेवा का मेंबर रहा, फिर मैं राजनीति में आकर के मैं एक्टिव पदों में अच्छे अच्छे पदों पर मैं शोभित रहा, जिले का प्रधान रहा, मैं प्रदेश का संयोजक रहा OBC मोर्चे का, और अब आपके सामने मैं कानून बनाने वाला हूँ। अब मेरा देखेगा मुझे गर्व है, जब ये जम्मू कश्मीर के पर बिल आया है जिसमें धारा 370 को हटाने की बात की, मैंने भी उसके फेवर में वोट दे करके धारा 370 और 35 को हटाने में माननीय मुख्य प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री का मैंने सहयोग किया है, तो मुझे गर्व है अभी मैं भी मतलब अपने देश के लिए कहीं मैं कुछ कर पाया हूँ। आप जिस तरह से आप बता रहे हैं, आप पहले कुछ और थे, अभी राजनीति में आने के बाद आपने बहुत कुछ किया, आप क्या सोच? हाँ, मैं जो उसका जवाब दे रहा था, मेरी 68 साल उम्र हो गई है, तो मैंने जो प्राप्त करना था मुझे प्राप्त कर लिया है, मेरा जो जीवन बाकी है पता नहीं मुझे कितना जीवन है, वो तो ऊपर वाला जानता है, मैं बाकी जीवन जो है राष्ट्र के हितों के लिए जनता की समस्याओं को हल करने में लगाना चाहता हूँ, यही मेरे उद्देश्य। आपके मुताबिक जो आप सोचकर राजनीति में आए थे वो आपके मुताबिक वो चीज़ें पूरी हुई? मेरी चक पूरी आपने अपनी तरीके से। मैं देखेगा अब मुझे देखेगा मुझे टिकट मिला यहाँ से, मुझे टिकट मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए टिकट बीजेपी पार्टी का टिकट लेना एक बहुत बड़ी बात होती है, मुझे मेरे लिए गर्व की बात है, मुझे हालांकि मैंने इसके लिए बायोडाटा भी नहीं दिया था,
तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री का आशीर्वाद समझिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का आशीर्वाद समझिए, ये माननीय हमारे मनोहर जी मुख्यमंत्री हैं। तो मैं समझता हूँ, मेरे एक सोच है, मेरा एक्सपेरिमेंट है जीवन का, अगर हम अपने सहित नियत से काम करेंगे, किसी फील्ड में काम करें और ऊपर वाले का विश्वास करें, तो मैं कहता हूँ जीवन में भंडार भरे पड़े हैं, जो लेना चाहे ले सकता है, भंडार लेने वाले कमी है, देने के वाले कोई कमी नहीं है यहाँ पर। तो आपके सामने है, पढ़ाई में जब मैं पढ़ता था बड़ी प्रॉब्लम थी, उन दिनों मतलब पैसे की कमी थी, बड़ा अभाव था, आर्थिक स्थिति खराब थी। एक बार मैं लॉ में एडमिशन लेना चाहता था, एडमिशन मेरा हो, एडमिशन नाम आ गया था लिस्ट में, 100 रुपये कम रह गए उसमें, तो मेरा एडमिशन नहीं आ गया। फिर अगले साल फिर मैंने वो किया, तैयारी की पैसे की, तो मेरा एडमिशन हो गया, लॉ हो गई। तो मेरे कहने का मतलब है, संघर्ष आते हैं, मतलब प्रॉब्लम आती हैं, परंतु मेरा ऐसा मानना है, अगर इंसान सच्चे दिल से उसमें जुनून पैदा हो जाए, किसी भी क्षेत्र में हो जाए कि मैंने ये करना, तो वो प्राप्त कर सकता है। मैं एक जिंदा जागता उदाहरण हूँ। जी बिल्कुल, कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए जुनून की ज़रूरत बहुत होती है। लेकिन अब जिस तरीके से चुनाव पास आते जा रहे हैं और यहाँ पर तैयारियाँ भी पूरी हो रही हैं, रैली निकाली जा रही है, अब भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर क्या लगता है आपको? कौन यहाँ पर कोई चुनौती मुझे नहीं लगता। देखिएगा, मैं 25 साल से ये इंद्री, मैं तो एक अपने एक समाज का प्रदेश था, अक्सबीरा सामाजिक काम भी मैंने करके हैं, तो 25 साल से मेरा समाज में आना जाना, इंद्री में तो मतलब मेरा 25 साल से आना जाना रहा। कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसी सड़क नहीं है जो मैं जानता नहीं, जब जानता नहीं। और अब तो हिंदू वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसका मैं टिकट लेकर आया हूँ। तो मैं कहता हूँ, मुझे तो जो मैंने काम किया है पहले इनालों में किया है, समाज सेवा करी है, तो वो मुझे इसका डबल बेनिफिट मिला। मुझे कोई चुनौती मैं नहीं समझता कोई हमारे आगे है यहाँ पर। जी, और आप किस तरह की रणनीति अब आपकी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो अपनी रणनीतियाँ बनाई गई हैं, आपकी तरफ से क्या आपने सोचा है? ना, संगठन जैसे हमारा जो संगठन है, उसकी सारी संगतों को इस्तेमाल करके, संगठन हमारा लोअर तक है, पन्ना प्रमुख तक है, ऊपर से लेके, तो सारी उनकी क्षमताओं का इस्तेमाल करके तो हम जो है चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित तौर से हम जैसे कार्यकर्ताओं हमारा जोश है उससे है, तो भारी भारी बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं। जी, जैसा कि हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी जीत हासिल की है, बहुत उसके बाद अब ये दूसरी बार मोदी लहर भी यहाँ पर आई है, 370 हटाया गया, उसके बाद 3 तलाक का मसला जैसे आपने बताया था बिल पास कराया गया, तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं ये सारे मसले जो हैं वो आपको चुनाव में कहीं ना कहीं फायदा? देखिएगा, जो देखिएगा जो जनता जो चाहती है उनके लिए अच्छे काम करें, जब जो किसी की जो जो सरकार जनता के लिए अच्छे काम करती है उसको क्रेडिट तो देती है जनता, उसको स्वीकार करती है। अब निश्चित तौर है ये तो जब अच्छे काम करे हैं जनता उसको मानती है, जनता उसका समर्थन भी करती है। जी, तो और विपक्ष के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, विपक्ष के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं मेरी एक सोच पॉजिटिव सोच है, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहता। मैं एक किसी का नाम लेकर के भी वो चुनाव लड़ रहा, वो उसकी ये योग्यता नहीं है, वो एक ये सिंपली उसकी एडवर्टाइजमेंट करने की बात है, उसको नाम बताना भी ये चुनाव लड़ रहा है। मैं कभी भी किसी कैंडिडेट का नाम नहीं बताता, कभी उसके बारे में नहीं कहूँगा। मैंने क्या करना है, हमारी पार्टी ने क्या किया, हमारी सरकार क्या कर रही है लोगों के, मेरे क्या विजन है, मैंने क्या करना, मैं वो सिर्फ वो बताता हूँ। उससे उनका काम है क्या वो करना है, क्या देना है, वो उनका काम है, वो जनता ने देखना है, वो उन्होंने देखना। जी, जिस तरह से अब चुनाव पास आ गए हैं, रैलियां भी आप निकाल रहे हैं, लोगों से रूबरू भी आप हुए होंगे, तो जनता के सामने जब आप गए, आपने उनसे पूछा होगा कि उनकी क्या समस्याएं हैं, उनके क्या मसले हैं इस जगह को लेकर, क्या क्या? हाँ, समस्या होती हैं, क्या क्या? देखिएगा, आज जो वोटर है और कार्यकर्ता हमारी पार्टी का है या नागरिक आम नागरिक है, वो अपना मान सम्मान चाहता है। आज हर एक नागरिक मान सम्मान चाहता है, चाहना भी चाहिए, उसकी सोच होनी चाहिए। तो मेरे सामने जब मैं पहले आया तो लोगों को ये लग रहा था भाई ये शायद नया है, तो ये शायद उनको लग रहा था कि पहले जो MLA मंत्री थे यहाँ पर, उन्होंने पूरा मान सम्मान दिया विकास के काम में, शायद भाई कहीं उनसे कहीं पीछे नहीं रह जाए। तो मैंने सबसे पहले उनको विश्वास दिलाया कि आपका पूरा मान सम्मान होगा, आपका काम, आपके विकास के काम भी होंगे। तो एक वर्कर मुझे कहने लगा, दुका जी हमारा तो मान सम्मान पहले होना चाहिए, वैसे काम बाद में कर देना। मैंने कहा तुम्हारे अगर जो दोनों काम पहले हो जाए, एक साथ हो जाए, आपका मान सम्मान भी साथ साथ हो रहा है और आपके काम भी साथ हो रहे हैं। तो ये मुझे 2-4 गाँव में ऐसा लगा, तो बाद में अब तो मैं उनमें उनके साथ घुल मिल गया। अब उनको अब मेरे कोई नहीं पूछता, अब मुझे कहता भी नहीं भाई हमारा ध्यान रखना, नहीं तो लोग कहते थे ध्यान रखना, ध्यान रखने का मतलब अब उन्होंने मुझे अपना सिस्टम ऐसा बैठा दिया उनके बीच में, अब वो मेरे पे कुछ नहीं पूछते। अब उन्हें लगा भी ठीक बंदा आ गया, यहाँ पर कैंडिडेट ठीक कैंडिडेट है, उनकी आशाओं पे खरा उतरेगा। तो मैंने उनको एक बात कही, मैं सिंपल वे में रहता हूँ, मैं हाई फाई नहीं हूँ। अब मैं आपके सामने बैठा हूँ,
अगर मैं दूर बैठ जाऊँ आपसे हट करके, तो कोई बाहर के आदमी किसी को बुला लेना, मैं एमपी जैसा लगूँ, एमपी मुझे कहता ही नहीं कोई। कई बार तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार जैसे मैं पार्लियामेंट कंटीन में खाना खाने जाता हूँ, मैं एमपी तो लगता ही नहीं, वो मेरे को लगता है भी वो आम आया है बाहर से देखने के लिए पार्लियामेंट, तो कहीं ना कहीं मेरे को इग्नोर कर देते हैं। एक बार मैं खाना खाने के लिए लेकर गया, कुछ हमारे वर्कर जा रहे थे, वैसे तो एमपी को देखते हुए बड़े वो हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, और एमपी की बड़ा दूर से बैठे तो उन्होंने सोचा ये एमपी तो नहीं है, तो मेरे को उन्होंने ऐसे व्यवहार किया जैसे मतलब एक आम आदमी गया। तो मैंने महसूस हुआ दस मिनट तक मेरा वो, जैसे मैंने ऑर्डर दिया था खाना नहीं आया, पानी नहीं आया, तो फिर मैंने उसको कंप्लेंट किया, उसको उनके इंचार्ज को मैंने कहा ये ऐसा सिस्टम रहा तो गलत होगा, तो वो फिर उसने जवाब दिया नहीं, कहा जी हमें तो ऐसा लग रहा था भी एमपी है नहीं, भी एमपी तो हो नहीं सकता ये। तो मैंने इनको ये कहा जैसे मैं आपके बीच में ऐसे काम करूँगा, एमएलए बनाऊँगे, ऐसे ही मैं रहूँगा, आपके बीच में बैठे काम करेंगे, बाहर से किसी को बुला लेना जो मुझे ये कह दे भी एमएलए कौन सा, सारे एमएलए ही लगेंगे। मतलब जब मैंने ये बात कही है तो लोग बड़े खुश हैं मेरी सादगी से, मेरे डीलिंग से, जब मैंने उनको इतना प्यार दिया। और मैं देखो मैंने गरीबी देख रखी, बोल मैंने सारे सिस्टम से मैं निकला हूँ, अब मैं प्रैक्टिकल करूँगा भी, जो पीछे कतार में खड़ा है, जो विकास की धारा में पीछे रह गया, तो मेरा मैं मुश्किल कहता हूँ उनको आगे लाएंगे हम। हमारी पार्टी की भी यही नीति है, हमारे प्रधानमंत्री की सोच है, जो पीछे रह गया उनको आगे ला करके उनके बराबर की उसमें बैठाने का मेरा काम होगा, सबसे पहले होगा। अगर हम कुछ नहीं कर सकते, हम उनको मान सामने तो दे सकते हैं, गरीब वर्कर है कुछ हो रहा है उसको मैं अपने यहाँ बैठाता हूँ, दूसरे बड़े आदमियों के सामने मैं कहता हूँ उसका नाम बोलता हूँ, उससे पास बैठेगा तो उसको मान सम्मान नहीं मिलेगा, लगेगा नहीं भाई कुछ मेरे लिए नया हुआ। तो मैं इस प्रकार के काम करना, मैं एक आदर्श बनना चाहता हूँ दूसरों के लिए, एक और हल्के को मैं एक ऐसा आदर्श बनाऊँगा लोग, ताकि सारे हरियाणा के कहें भाई हल्का है, आदर्श बन गया, कुछ सीखना है तो वहाँ जाके सीखें। मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ। काफ़ी डाउन टू अर्थ हैं आप। हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ। सामने वाले को अगर आप डाउन टू अर्थ फील भी कराएंगे तो वो आपसे इम्प्रेस होगा और आप ही के मतलब तरफ आएगा। ठीक है, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी, अगर हम प्रैक्टिकली जैसे आप बोल रहे हैं प्रैक्टिकली सोचते हैं, तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हर तरफ पक्ष भी होता है विपक्ष भी होता है, तो कई लोग होते हैं बीजेपी के समर्थन में भी होंगे, उसके समर्थन में ना भी होंगे, तो आपने जब लोगों से आपने बातचीत की है तो क्या आपको वहाँ एज अ बीजेपी कैंडिडेट आपको वहाँ लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा? नहीं, कोई ऐसा नहीं, मुझे मेरे सामने ऐसा कोई मुद्दा नहीं आया, सिर्फ वही मैं बात कह रहा था आपको, लोग उनको लग रहा था कार्यकर्ताओं को भाई कहीं हमारे मान सम्मान में कमी नहीं रह जाए, तो वो धीरे धीरे जो मुद्दा है वो खत्म हो गया। मैंने उनको सारा क्लियर कर दिया, अपना विजन मैंने क्लियर कर दिया। जब मैं पीछे खड़ा है आदमी उसको, अब मैं आगे खड़ा हूँ और मैं जब पीछे जाकर उसको मिलता हूँ, उसे हाथ से हाथ मनवाता हूँ, उससे जब भी मिला के मिलता हूँ गरीब से गरीब आदमी को, तो वो महसूस करते हैं भाई ये तो वैसा है नहीं जैसे हमारी सोच थी। मैं कह तो नहीं, अब मुझसे कोई ये प्रश्न नहीं पूछता कि अब मेरे मान सम्मान का ध्यान रखें, उन्हें पता जो वो क्लियर विजन क्लियर कंसेप्ट हो गई, ये पूरा मान सम्मान देने वाला है और पूरा मान सम्मान मिलेगा। तो बस मैं कह रहा हूँ एक MLA कोई एक वर्कर जा रहा है, मेरी गाड़ी जा रही है, मुझे पता लगा भी हमारा वर्कर है, तो मैं अगर गाड़ी से उतर के उसको कह देता हूँ और आओ और भी क्या हाल है तुम्हारा, तो लगेगा नहीं उसको, दूसरों से अटके हाल नहीं लगेगी बात, कौन MLA है जो गड्डी छोड़ करके उसको मिलता है, कौन मंत्री ऐसा होगा जो मदद करता, मैं ये काम करने जा रहा हूँ। सही बात है, बिल्कुल कंफर्टेबल आप सामने वाले को फील कराना चाहते हैं। मैं ये कराना इंप्रेशन देना चाहता हूँ भाई, इंसान इंसान इंसानियत मत भूलो भाई, हम मतलब MLA बन गए, मेरा ऐसा नहीं भाई हम MLA बन गए हाई फाई, हमने आप ये बनाने वाले तो जनता हमारे को बनाती है जी। जब बनाने वाले पावर उनके पास है फिर हम ये क्यों करेंगे भाई, ये फिर हम उनको क्यों भूलें, आगे भी उनके सामने आना है। जिस तरह से एक अभी दो दिन पहले बीजेपी का घोषणा पत्र भी जारी हुआ है, उसमें कई तरह के बातें संकल्प पत्र वहाँ निकला है, उसमें कई तरह की बातें निकली हैं, महिलाओं को लेकर, किसानों को लेकर, शिक्षा को लेकर और भी कई मसले उसमें निकाले गए हैं। तो अगर बीजेपी फिर हरियाणा में सरकार बनाती है तो कब तक उन जो मसले हैं वो कब तक किए जाएंगे? जो मतलब घोषणाएं ऐसी हैं जो इमीडिएट शुरू हो सकती हैं तो उनको इमीडिएट शुरू करेंगे। कुछ ऐसा है जैसे कुछ मान लिया कॉलेज बनाना है, उसके लिए कॉलेज बनाने के लिए तो टाइम लगेगा, उसमें तो इट विल टेक 1-3 ईयर्स, तो उसमें जितने जैसे जैसे मतलब उसका प्रोसेस होगा उसमें काम होगा, घोषणाएं पूरी होंगे। देखिए पहले भी जो वादे किए थे पूरे हुए, अब जम्मू कश्मीर का जो धारा 370-35 को हटाना कोई नहीं सोच सकता था, हिंदुस्तान में भी धारा ये हटा सकती है, और अपोजिशन पार्टी को तो पता भी नहीं था।
मैं तो राज्यसभा में जिस 5 अगस्त को बिल आया हमारे राज्य सदन में आया, किसी भी पार्टी के नेता को ये नहीं लग रहा था कांग्रेस को भाई ये बिल आ जाएगा। जब बिल प्रैक्टिकल धारा उसमें आ गया ना, केवल बिल नहीं आया उसके धारा 370 ही नहीं हटाई, बल्कि मैं जम्मू कश्मीर का स्टेटस को भी ख़त्म करने का काम किया, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता दोबारा, इसलिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का मुद्दा होता है, पुलिस उनके अंडर होती है, पुलिस तो पहले भी थी, स्टेट पहले भी था, वहाँ मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसलिए उसको स्टेट का दर्जा ख़त्म किया ताकि वहाँ जो पुलिस का कंट्रोल है सारा सेंटर के अंडर रहे, सेंटर के जब अंडर रहेगा तो सारा काम ठीक ठाक चलेगा, मतलब वो जो विरोध भाषा था सारा ख़त्म हो जाएगा, मतलब बड़ा प्लानिंग से ऐसा काम किया गया। जब ऐसे काम कर सकते हैं जो मतलब कोई सोच नहीं सकता ये करेंगे, तो फिर दूसरे तो छोटे मैं मानता हूँ मुद्दे हैं उनको तो पास पूरा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई सरकार के सामने। तो ये हमारे साथ थे राम कुमार कश्यप जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने हमसे बातचीत की, ओपिनियन पोस्ट से आपने बातचीत करने की कोशिश की, और आपके जो भी संदेश हैं जो भी मसले हैं जनता तक ज़रूर पहुँचेंगे, और हम आपको बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं आने वाले चुनावों के लिए कि जीत ज़रूर हासिल हो आपको। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।